वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंगली ये लॉ ये कहता है कि स्टीफन से शुरू करते हैं। स्टीफन बोल्ट्समैन लॉ ने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई भी बॉडी का टेम्परेचर अगर टी है तो वो बॉडी अपने अंदर से एनर्जी एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। कितनी करेगी? ई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी की पावर 4। उसने बताया और चला गया। वेन्स कहता है कि वो जो एनर्जी एमिट की उसने कितने भी जूल पर सेकेंड पर यूनिट एरिया की, वो जब वो बाहर निकलेगी एनर्जी, वो ऐसे नहीं निकलेगी कि मतलब 100 जूल है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया 100 निकलगी, नहीं। पहले एनर्जी बढ़ेगी उस बॉडी में से, मैक्सिमम होगी और फिर कम होनी स्टार्ट हो जाती है। या इन शॉर्ट कोई अगर ये पूछे कि वो बॉडी में से जब एनर्जी निकालेगा, मान लो इंफ्रारेड रेज निकाल रहा है, कोई भी निकाल रहा है, कोई भी रेडिएशन निकाल रहा है, उसकी कोई वेवलेंथ होगी, तो क्या वो एक ही वेवलेंथ में एनर्जी निकलेगी? तो वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है कि नहीं, वो एक वेवलेंथ में एनर्जी कभी निकलती नहीं है, कॉन्टिन्यूस वेवलेंथ में निकलती है। कॉन्टिन्यूस वेवलेंथ का मतलब जब कोई बॉडी का टेम्परेचर मान लो 998 तो, और कोई बॉडी अपने अंदर से जो एनर्जी एमिट कर रही है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, मान लो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो वो एनर्जी ऐसे निकलती है, उसके अंदर से जो रेडिएशन निकल रही है वो एक लैम्डा की नहीं निकलती, लैम्डा कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, बढ़ता रहता है, तो लैम्डा की वैल्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो शुरू में लैम्डा वो कम वेवलेंथ में एनर्जी निकालता है, इतनी एनर्जी, फिर और ज़्यादा वेवलेंथ की एनर्जी निकालता है, एनर्जी बढ़ जाती है, और वेवलेंथ की एनर्जी निकालता है, एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, और वेवलेंथ की एनर्जी निकालता है, एनर्जी कम हो जाती है, और फिर कम होती होती कम हो जाती है। तो ऐसे इस फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलती है किसी भी गर्म बॉडी की। इसलिए गर्म गर्म बॉडीज का हम अभी देखेंगे भी एग्जांपल, एक बहुत गर्म बॉडी है, लोहा बहुत गर्म है, तो आप देखेंगे जब वो ठंडा हो रहा होगा उसके कलर चेंज होते हैं, रेडिश से वाइटिश से, इस तरीके से येलोइश, ऐसे इस तरीके से कलर चेंज होते हैं। इसका मतलब वो अपनी वेवलेंथ को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो इसका एग्जांपल है कि वो कैसे पता लगता है कि इसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है, इसके कलर से पता लग जाता है। तो इसीलिए रूल नंबर 1 वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ ये कहता है कि एनर्जी एक वेवलेंथ पे नहीं निकलती, एनर्जी कॉन्टिन्यूसली वेवलेंथ पे निकलती है, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, स्पेक्ट्रम का मतलब कॉन्टिन्यूस वेवलेंथ। तो इस फॉर्म में एनर्जी निकलती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें, मान लो आपका टेम्परेचर 1095 हो गया, तो कोई बात नहीं, वो ज्यादा एनर्जी एमिट करेगा लेकिन पैटर्न सेम रहेगा, पैटर्न वैसे का वैसा ही रहेगा। आप जितना भी टेम्परेचर बढ़ा दें पैटर्न वैसे ही रहेगा, एनर्जी पहले कम फिर मैक्सिमम और फिर कम। किसी भी टेम्परेचर पे काम कर लें, एनर्जी पहले कम फिर मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करेगा और फिर कम करेगा, और वेवलेंथ कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक। अब वेन्स कहता है कि जब ये टेम्परेचर मान लो सबसे कम था 998, तो ये वो वेवलेंथ है, ये वो वेवलेंथ है, ये देखो ये वो वेवलेंथ है जब एनर्जी मैक्सिमम है, जब इस बॉडी एनर्जी बाहर निकाली वो मैक्सिमम थी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। इस वेवलेंथ का नाम है लैम्डा एम। लैम्डा का मतलब, लैम्डा एम का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, लैम्डा एम का मतलब वो लैम्डा की वैल्यू जब एनर्जी मैक्सिमम है। लैम्डा का मतलब वो वेवलेंथ जो वो बॉडी बाहर निकाल रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एनर्जी मैक्स है, पीक है, उसको लैम्डा एम बोलते हैं। फिर वेन ने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, 1095 कर दिया, फिर उसने मेजर किया एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो उसने ये देखा कि ये जो पीक वैल्यू है वो थोड़ी कम लैम्डा की वैल्यू पे अचीव हो गई, पीक थोड़ा जल्दी अचीव हो गया। अगर टेम्परेचर बढ़ाया पीक थोड़ा जल्दी अचीव हो गया, यानी कि छोटी वैल्यू ऑफ लैम्डा पे ही उसने ज़्यादा एनर्जी एमिट कर दी। अगर टेम्परेचर और बढ़ाया उसने, तो उसने देखा पीक और जल्दी अचीव हो गया, कम वैल्यू ऑफ लैम्डा पे, लैम्डा एम की वैल्यू पे, छोटी वैल्यू पे पीक अचीव हो गया। उसने टेम्परेचर और बढ़ाया, पीक जल्दी अचीव हुआ, टेम्परेचर और बढ़ाया, पीक जल्दी अचीव हो गया। वो जितना टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा है लैम्डा एम शिफ्ट होता जा रहा है और पीक थोड़ी इस तरफ शिफ्ट होती जा रही है, डिस्प्लेस होती जा रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? वेन्स ने। और पीक डिस्प्लेस हो रही है, तो एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है या लॉ का नाम क्या है? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्योंकि पीक डिस्प्लेस हो रही है। तो ये उसका रिजल्ट है, हम प्रूफ वगैरह कुछ नहीं कर रहे, उसके रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन करेंगे सिर्फ इसमें। तो उसका पहला रिजल्ट क्या है कि पहला रिजल्ट ये है कि कोई भी बॉडी जब जो टी टेम्परेचर पे होगी अपने अंदर से एनर्जी को एमिट करेगी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को एमिट करती है, कम ज़्यादा कम। इस वैल्यू को लैम्डा एम बोलते हैं जब पीक वैल्यू आ जाती है, और एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर लैम्डा एम शिफ्ट होता जाता है टूवर्ड्स लेफ्ट, छोटी वैल्यू पे भी पीक अचीव हो जाती है। ठीक। उसने एक और रिजल्ट भी दिया
कि अगर आप इसका एरिया निकाल दें, हम करेंगे इसे, अगर हम इसका इसके अंडर कोई भी ग्राफ लें, इसका एरिया निकाल दें, ये एरिया आपको पता है क्या देगा? ये एरिया देगा एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, जो कि स्टीफन ने भी दिया था, सिग्मा इंटू टी की पावर 4। तो स्टीफन को भी जस्टिफाई किया, क्योंकि स्टीफन ने हमें क्या कहा था कि आप मेरे से टोटल एनर्जी ले लो, बस ये मत पूछो कि कितनी वेवलेंथ पे दूंगा। स्टीफन लॉ आपको टोटल एनर्जी दे रहा था सिग्मा इंटू टी की पावर 4। वेव्स ने आपको बताया कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होती कैसे है और वेवलेंथ की वैल्यू कैसे चलती है, दोनों को लॉज आपस में इंटर कनेक्टेड है। तो इस लॉ में सबसे पहले उसने क्या बताया कि टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उसने कहा टोटल एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्कुल भी नहीं है। ओवर द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ चेंज होती है, बट इज मैक्सिमम फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा एम। तो लैम्डा एम वो वैल्यू है लैम्डा की जब एनर्जी क्या होगी उसमें रेडिएटेड, मैक्सिमम। फिर उसने कहा अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इट स्टेट्स दैट वेवलेंथ लैम्डा एम corresponding to which energy emitted by a black body is maximum is inversely proportional to the absolute temperature. तो lambda m उसने क्या कहा कि जितना ज्यादा temperature बढ़ाएंगे lambda m की value छोटी होती जाएगी। तो lambda m inversely proportional to temperature या lambda m into t is a constant और constant को Wien's constant बोलते हैं। इसकी value को remember box में डाल के remember लिख लें। SI system में इसकी value है 2.9 into 10 की power minus 3। तो लैम्डा एम इनटू टी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ये इसका फॉर्मूला है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ का, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक ठीक है, ये नोट करें। और उसने कहा कि पता कैसे लगा वेन्स को ये चीजों के बारे में, एग्जांपल कोई ऐसा लाइव एग्जांपल, व्हेन आयरन पीस इज हीटेड इन अ हॉट फ्लेम इट्स कलर फर्स्ट बिकम्स डल रेड। तो उसका कलर पहले डल रेड हो जाता है, उसके बाद येलो हो जाता है, फिर फाइनली वाइट हो जाता है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो रही है, और जब भी कलर की वेवलेंथ, जब वेवलेंथ चेंज होती है तो कलर चेंज होता है। तो दिस इज इन अकॉर्डेंस विद वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ बिकॉज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एमिशन ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मॉलर वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ छोटी होती जा रही है जब पीक वैल्यू ज्यादा आती जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, उसने कहा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होती है हमने सीख ली। When black body is heated, it emits heat radiation of different wavelength. तो wavelength हर वक्त change हो रही होती है। When these wavelengths are arranged in increasing order, we get black body spectrum. तो जो मैंने graph ऐसे दिखाया आपको, ये black body का क्या है? Spectrum. Spectrum का मतलब collection of wavelengths. तो अलग अलग wavelength की जो है radiation निकलती है, उसकी collection को black body spectrum बोलते हैं। तो graph मैंने बता दिया, E का मतलब है energy per second per unit area वर्सेस लैम्डा, ये ग्राफ है। इसके अंदर इसके कुछ कंक्लूजन दिए वेन्स ने हमें। पहला रिजल्ट हमें ये दिया, एट ईच टेम्परेचर अ ब्लैक बॉडी एमिट्स अ कॉन्टिन्यूस हीट रेडिएशन स्पेक्ट्रम। किसी भी एक टेम्परेचर पे कॉन्टिन्यूस हीट स्पेक्ट्रम रेडिएट होता है। द एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द वेवलेंथ। तो यहां पर वेवलेंथ, यहां पर एनर्जी ज्यादा, यहां पर कम, यहां पर कम, तो एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है स्पेक्ट्रम में। पीक वैल्यू मिड में आती है और फिर कम हो जाती है। नेक्स्ट है, the energy associated with radiation of a particular wavelength increases with increasing temperature. तो जैसे जैसे temperature बढ़ेगा energy emitted per second per unit area की value भी बढ़ती जाती है। Third है, as the wavelength increases, energy emitted increases, reaches maximum for a particular wavelength lambda m and then decreases. तो जैसे जैसे आप एक hot body को रखते हो तो उसके अंदर energy पहले बढ़ती है, maximum होती है और फिर कम हो जाती है। नेक्स्ट है, तो वेवलेंथ लैम्डा एम ये हमने कर लिया, लैम्डा एम इनटू टी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट है, ये भी कर लिया, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी एमिटेड बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो जो भी आप एरिया निकालते हो वो आपको क्या देगा? टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, जो कि टेम्परेचर जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके रेज टू पावर 4 के ऊपर प्रोपोर्शनल है, जो कि स्टीफन लॉ ने हमें बताया था। नेक्स्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स आर यूनिवर्सल, दे डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ना साइज पे ना शेप ऑफ बॉडी पे डिपेंड करते हैं। तो ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है।